आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज प्रेशर आने पर आपको हगने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो घबराइए मत, अपने बालों पर ही कमोट बना लीजिए। हमें छापरी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ही ये तो टट्टी है। देखो मुझे पता है मेरा खुद का हेयर स्टाइल कोई बहुत अच्छा नहीं, और तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अब ताड़ा पड़ा खुद के बाल तो देख ला तू दूसरों पे क्या हंसेगा। इट्स माय चॉइस, हर चॉइस, मैं हिपोक्रेट हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हम हंसेंगे दूसरों पे और क्यों ना हंसे, एक बार ये देखो। हमें छापरी थोड़ा सा साइंटिफिक यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे, तो जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसकी अलग अलग लेयर्स होती है, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वो वाली लेयर होती है जिसमें इंसान रहते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पे इन भाई साहब के बाल है। मैंने स्पाइक्स के बारे में तो सुना था, ये मैंने पहली बार देखा है। Are you sure about that? तेरा हाथ भी नहीं होगा 52 सेंटीमीटर तक, तो इतने लंबे इसके बाल हैं। यो हिला डाला ना। क्या आप लोगों ने कटोरा कट के बारे में सुना है? नहीं। ऑब्वियसली सुना होगा, लेकिन कभी खुद कराया या फिर किसी को कराते हुए देखा है? इस बंदे ने कटोरा कट को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, सच का कटोरा सर पे रख के अपने बाल कटवा रहा है। हमें छापरी अबे चोमू एक्सप्रेशन तो ऐसे दे रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था, अंदर से ऋतिक रोशन निकलेगा। अरे भैया कटोरा रख के बाल काटोगे तो राजपाल यादव भी बनोगे ना। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? तो यहाँ पे एक बार्बर एक आदमी के बालों में ये इसने क्या डाला, नमक डाला, फॉइल पेपर रखा, ब्लो ड्रायर मारा और पॉपकॉर्न बन गए। अरे खाइयो मत, खाइयो मत। पापा जो है बहुत टाइम से कह रहे थे कि उनको एक नया हेयर कट चाहिए, नया हेयर कट चाहिए, लेकिन क्वारंटीन की वजह से जा नहीं पा रहे थे बेचारे। तो मैंने अभी अभी एक नया हेयर स्टाइल देखा और सीखा है, तो आज हम पापा को वही हेयर स्टाइल देने वाले हैं। पापा इसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। सरप्राइज है पापा, बहुत यूनिक हेयर स्टाइल है, एकदम खुश हो जाओगे आप। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आप बस आंखें बंद रखो अपनी। पापा आई थिंक अब आप आंखें खोल सकते हो, एकदम बढ़िया हेयर स्टाइल। इनकी वीडियो के चक्कर में ना मेरा जरूर कार्टून नेटवर्क खिंच गया। गाइस दिस हेयर स्टाइल इज अमेजिंग, इट वर्क्स। क्या आप लोग ये बात जानते हैं? नहीं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग राक्षस आज भी धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ही अविश्वसनीय है ये बात, लेकिन यही सच है। रामायण महाभारत के टाइम पे जो राक्षस हुआ करते थे वह आज भी धरती पर है। क्या मेरी बात का विश्वास नहीं करते? अरे तो इसे देख लो। हमें छापरी हमें छापरी। यार मेरा नाई मेरा एक भी बाल इधर का उधर गलत काट देना, मैं गला दबा दूं उसका। और इसको देखो, ये सींग लगा रखे हैं इसके, वो सींगों के साथ खेल रहे हैं अंकल उसके। यार वो राक्षस नहीं होते थे, उनके मुकुट पे ऐसे बड़े बड़े सींग लगे होते थे, इसने अपने बालों में बना लिए। भाई स्कूटर के स्टेयरिंग व्हील की तरह खेल रहे हैं लोग उसके साथ, उसको चला रहे हैं। पापा नो गॉड प्लीज नो। पॉपकॉर्न हेयर स्टाइल तो पसंद नहीं आया, तो मैं आपके लिए एक नया हेयर स्टाइल लेके आया हूँ। अबे ये तो पताल लोग का बका सूट लग रहा है। आप एकदम शांत होके एकदम चिल होके बैठ जाओ बस। ओके गाइस आर यू रेडी? पापा के हेयर स्टाइल के लिए एक लाइक तो बनता। उस्ताद जी आज ना मेरे को एकदम ऐसा सेक्सी बॉय वाला हेयर स्टाइल दे दो। बिल्कुल आपको सेक्सी बॉय वाला हेयर स्टाइल देंगे, लेकिन क्या हेयर कट चाहिए आपको बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ उस्ताद जी आपका जो मन करे आप करो, जो मन करे। नहीं नहीं पर आप बताइए ना आप क्या चाहिए? जो मन में आया आप कर दो, जो मन में कुछ भी कर दो, जो मर्जी। okay. क्या बोलना आंटी आऊं क्या?
उस्ताद जी जो मन में आया था बोला था, पर आप तो छोटी सी बात पे हक दिए बे। उस्ताद जी भी लाइक आज पेंटिंग करने का मन कर रहा है, तुम्हारे बालों को अपना कैनवस समझ के जो रंग आएगा वो भर दूंगा, चांद सितारे जो मन में आएगा वो ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पे पेशाब करना मना है ये भी लिख दो किसी की कमी रह गई है बस। बेचारे को गूगल क्रोम का लोगो बना दिया है, उसमें भी इतने कलर नहीं होते यार उस्ताद जी, आप बवासीर बना दिए हो। मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी मेरी जिंदगी है, दिन हो या शाम मुझे सिर्फ स्ट्रॉबेरी चाहिए, रात को भी मुझे स्ट्रॉबेरी के ही सपने आते हैं, मुझे स्ट्रॉबेरी इतना पसंद है कि कभी कभार तो मन करता है कि खुद ही स्ट्रॉबेरी। हमें छापरी एक इंसान केवल दो मनोस्थिति में अपने साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, एक वह बचपन में सर के बल गिर गया हो, उसका कोई मिल गया हो गया हो, या फिर दूसरा मेरे को प्यारा। किसी को पाइनएप्पल पसंद है तो वो पाइनएप्पल बन रहा है, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है तो स्ट्रॉबेरी। अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो। यार मेरा ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, कसम से इतने दिन हो चुके आइसक्रीम नहीं खाई। अरे भाई साहब आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आप मुझे बताइए बताइए कौन सा फ्लेवर खाएंगे आप, मैंगो स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच ऑरेंज, बहुत सारे फ्लेवर है हमारे पास, सारे फ्लेवर आप बताइए कौन सा खाएंगे। ये चॉकलेट आइसक्रीम के ऊपर स्ट्रॉबेरी ऑरेंज और पाइनएप्पल की टॉपिंग लगा के दे रहे हो तो उठा ले रहे बाबा। आपको पिछले दो हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया तो मैं नया लेके आया हूँ। अरे भाई मैंने अरे देखो तो सही कितनी वैरायटी है, कौन सा नेरोलैक का पेंट लगाओगे अपने बालों पे, ऑरेंज पिंक येलो बताइए। अरे भाई ये ऐसे लग रहा है जैसे ना टांड के ऊपर किसी ने पू से पान की पिचकारी मार दी हो, वो भी रंग बिरंगी। हाँ तू ऐसे कर, तू ये तू करवा ले, मैं करवा लू। हाँ अगर तेरे को 2.5 मिलियन लाइक्स आ जाए ना तो तू करवा, ये 2.5 मिलियन लाइक्स इस वीडियो पे तो व्हाइट पेंट करा लूंगा। वैसे मेरे को कह दियो मैं मुंह में पान लेके ढाई मिलियन, सही बोला आपने क्योंकि 2.5 मिलियन होने नहीं वाले, आज तक कभी दो भी नहीं हुए, सब हो जाएंगे एक महीने के अंदर, लेकिन ये भी नहीं कि एक साल के बाद हो रहे, एक महीने के अंदर तो व्हाइट पेंट करा लूंगा। ये फंस गया। यहाँ पर ये भाई साहब जो है काफी कूल सा हेयर कट करवा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं अभी तक तो, और ये बालों पे इन्होंने ये पाउडर डलवाया, आई थिंक हेयर जेल था, आई एम सॉरी मेरे को लगा पाउडर था लेकिन व्हाटएवर। और अब ये अरे ये क्या करा भाई, अरे सड़क क्यों बना डाली बीच में, क्या प्लेन लैंड करवाएगा क्या उसपे। एक इंसान के जीवन में ऐसी कौन सी मजबूरी आ सकती है कि वो अपने बालों के साथ ऐसा हशर कर, ऐसा हशर करेगा, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। तो जी अर्ज किया है वो बोली तुम्हारा चेहरा है किधर, अर्ज किया है वो बोली तुम्हारा चेहरा है किधर, इधर या उधर, मैं बोला देख अंधी ये रहा। तुम भी करा सकते हो ये कमाल का हैंडसम हेयर स्टाइल अगर तुम्हारे ऊपर वाले माले में कुछ नहीं है तो। साइड से खुला खेत खलिहान, बीच में से निकलती टेढ़ी मेढ़ी सड़के, पॉइंट करते हुए कि डेस्टिनेशन यहाँ है, शक्ल इधर है थोबड़ा। अच्छा हमको सिखा रिया है। 2-3 पटुआ समूले री पतली कमर राम जी ने मेडूसा के बारे में सुना है ना तुमने, वो जिसके बालों में नाग होते हैं, जिसको भी देखती है वो पत्थर का बन जाता है, मेरे को लगता था वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, नहीं भाई सच है, ये पुनर्जन्म लिया है उसने। Anyways guys, I hope you guys enjoyed the video. If you did, make sure to like the video. लेकिन 2.5 million likes मत कराना ताकि मुझे अपने बाल सफेद ना पुतवाने पड़े। And make sure to download fam पे आप, लिंक नीचे description में मिल जाएगा ताकि आपको भी अपना खुद का ये fam card मिल सके। And I will see you guys in the next video. तब तक के लिए thanks for watching. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye to everybody.